नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जेके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़। और साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास का अगला हमारा जो टॉपिक है वो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग वैसे दक्षिण भारत के कुछ राजवंश पढ़ रहे थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे राजवंश है और परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न आ ही जाते हैं। तो साथियों, आज अगली अपनी इस कड़ी में सबसे पहले हमने पल्लवों को पढ़ा, उसके बाद हमने यानी कि चालुक्यों को पढ़ लिया साथियों, बादामी के चालुक्य यानी वातापी के चालुक्य, उसके बाद वेंगी के पढ़े। तो आज हम राष्ट्रकूट शासकों को पढ़ने वाले हैं और शुरू करते हैं अपने राष्ट्रकूट शासकों को। साथियों बिल्कुल, यानी मैंने यहाँ पर सार संग्रह के रूप में यहाँ पर आप लोगों के लिए पेश कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये भी चिंता करने वाली बात नहीं है कि इतना आप लोगों को लग रहा है कि जैसे पूरा बोर्ड भर दिया जाता है। बिल्कुल ज्यादा नहीं, इसमें भी मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको और बता दूंगा। तो करते हैं साथियों शुरू, हो जाइए तैयार, लीजिए देखिए। अपन लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के राजवंश, और दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के नाम मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो मैं इस समय की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर, राष्ट्रकूट शासक यानी हमारा जो बिंदु क्या है वो है आज का राष्ट्रकूट राजवंश 753 से 937 एडी तक। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कालक्रम कोई वैल्यू नहीं रखता। कालक्रम कोई भी अगर नहीं याद होता तो मत याद करो, लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो नहीं लिखो, ठीक है। तो यानी यहाँ से सीधे फैक्ट आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, गुर्जर यानी राष्ट्रकूट जब शासन कर रहे थे उसके आसपास कौन कौन लोग थे, महत्वपूर्ण कुछ शासकों को देख लीजिए। एक तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर चोल साम्राज्य है, दोबारा अस्तित्व में आएगा ही, अभी हम पढ़ेंगे आगे। और एक पहले वाले चोल थे जिसकी भी चर्चा हमने यहाँ पर की थी। और अब देखिए, ये बंगाल का एक शासक है, बंगाल, ये बंगाल वाला क्षेत्र अभी भी है, पश्चिम बंगाल वाला और वो, ठीक है दोनों। तो यहाँ पर बंगाल में एक वंश था पाल वंश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बीच में कन्नौज है, यहाँ पर यानी कि हर्ष के बाद यहाँ पर है ना अयोध्य वंश ने शासक किया था। तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही है, इधर गुर्जर प्रतिहार है, प्रतिहार राजवंश यानी राजस्थान और गुजरात के अंदर है, और ये महाराष्ट्र वाला जो इलाका है यहाँ पर कौन सा राष्ट्रकूट वंश है। तो ये राष्ट्रकूट वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, आसपास इनके ये बड़े बड़े है ना, यहाँ पर एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, यानी 100 वर्ष तक चलता है ये त्रिपक्षीय संघर्ष, किसको लेकर के, कन्नौज की गद्दी को लेकर चलता है। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा है तो राजस्थान में तो आपको एक राजवंश यहाँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं, लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले राष्ट्रकूट राजवंश यानी ये काल इसका हो गया, मूल स्थान इनका, राष्ट्रकूटों का मूल स्थान क्या था, लटलूर। देखिए लटलूर को ही लातूर कहते हैं, और ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। और बाद में इनका कहते हैं कि बाद में इन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित किया, एलिचपुर ब्रार महाराष्ट्र, बाद में इनका क्षेत्र क्या हो गया, एलिचपुर ब्रार महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए, प्रारंभ में चालुक्य के सामंत थे, प्रारंभ में ये चालुक्यों के सामंत थे भैया, ये बात ध्यान रखना है ना, प्रारंभ में ये चालुक्यों क्या थे, सामंत थे है ना, आरंभ में ये चालुक्यों के दरबार में रहते थे, धीरे धीरे इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, ठीक है। तो देखिए, प्रारंभ में मैंने आप लोगों को अभी बताया, प्रारंभ में शासक इंद्र, ये प्रारंभ में एक शासक है, इसका नाम है इंद्र, और ये 715 से लेकर के 753 तक रहता है, लेकिन अभी तक यानी इस काल तक यहाँ पर कोई सत्ता की स्थापना नहीं हुई है, इसलिए इसको संस्थापक भी नहीं माना जाता, प्रारंभिक शासक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है साथियों किसको, दंती दुर्ग को, किसको, दंती दुर्ग को। जैसे ही दंती दुर्ग आया, अगर गुर्जर प्रतिहार पढ़ा है तो आपको नागपट फर्स्ट जरूर याद आया है, हिरण्यगर्भाध्यान यज्ञ, देखिए वही बात है। तो दंती दुर्ग 735 से लेकर के 756 ईस्वी तक ये है ना, इसका पूरा काल है, और यानी ये संस्थापक है, इसका संस्थापक पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है, तो ये साथियों आपका दंती दुर्ग है, ठीक है। एक पूछी जाती है राजधानी, तो ये जो राजधानी बनाता है ये किसको, मान्या खेत को बनाता है, मान्या खेत बोले तो माल खेत यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में इसने क्या बनाई, माल खेत या मान्या खेत को क्या बनाई साथियों, राजधानी बनाई, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि 752, पहली बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि 752 में चालुक्य शासक है जिसका नाम है कीर्ति वर्मन सेकंड, हमने वहां पर चालुक्यों में पढ़ा था, अंतिम चालुक्य शासक जब हम वातापी के पढ़ रहे थे उस समय,
तो अंतिम चालों के शासक कीर्तिवर्मन सेकंड को क्या कर देता है, ये हराता है, हरा करके यानी इस राजवंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। देखिए अगला जो फैक्ट है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि राजधानी क्या बनाता है, मान्याकेत को बनाता है, और उज्जैन में हिरण्यगर्भदान ये यज्ञ करता है साथियों। उज्जैन यानी कि ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भी आता है ना, प्रभावशाली शासक है, तो उज्जैन में हिरण्यगर्भदान यज्ञ करता है। और इस यज्ञ में प्रत्याहार की भूमिका कौन निभाता है, नागभट्ट फर्स्ट। और इस हिरण्यगर्भदान यज्ञ की बात है आप लोगों को पता होगा, यानी इसे दंतीधरों की पुत्री होती है भूमिका, जिसका विवाह इस नागभट्ट फर्स्ट के भतीजे कक्कू के साथ होता है, आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग इस बिंदु से। ठीक है, तो ये था दंतीधरों, आरंभिक शासक है, सॉरी संस्थापक शासक है ये। और 752 कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इतना जरूर पूछेगा कि किसको हरा करके, तो कीर्तिवर्मन सेकंड जो कि चालुक्य शासक है उनको हरा कर इनकी राजधानी क्या है साथियों, मैंने आपको बता दिया मान्याकेत। अब देखिए कृष्ण फर्स्ट, अगला शासक है कृष्ण फर्स्ट, 756 से 774 दंतीधरों का चाचा ही है ना, सॉरी दंतीधरों इसका क्या था, चाचा था। ठीक है, और चालुक्यों का पूर्ण दमन कर देता है, ये पूरी तरह से क्या कर देता है, दमन कर देता है ना, कुछ एक छोटे बड़े शासक छोटे कहीं बचे हुए थे उनका भी दमन कर देता है। और एलोरो के प्रसिद्ध कैलाश एकाश्म मंदिर का निर्माण, ध्यान देना एलोरो में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, ये एलोरा की बात हो रही है। और एलोरा कहाँ पर है साथियों, महाराष्ट्र में है। यानी कल ही हमने जब हम पढ़ रहे थे, यानी कि किस चालुक्य वंश को पढ़ रहे थे, उस समय नरसिंहवर्मन सेकंड को पढ़ा होगा आपने, उस समय हमने एक मंदिर की बात की थी, वो भी कैलाशनाथ मंदिर था, ध्यान रखना वो मंदिर कांची में था, कैलाश वाला किस में था, कांची में था। और नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने तो वो 7 मंदिर बनाए थे, आपको पता होगा, याद आ गया महाबलेश्वर वाले। ठीक है, तो नरसिंहवर्मन सेकंड ने जो मंदिर बनाया वो तो कहां पर था, यानी कांची था। ठीक है, आंध्र प्रदेश की ओर हम चर्चा करते हैं, और इधर ये मंदिर कहां पर है साथियों, यानी एलोरा का एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये मंदिर आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, बीबी का मकबरा भी प्रसिद्ध है यहां, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब लीजिए अगले शासक की बात करते हैं, ध्रुव धारावर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ये भी, ध्रुव या धारावर्ष 780 से 793 तक। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कन्नौज पर अधिकार हेतु, गौर करना, कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, कौन था, ध्रुव। ठीक है, कोई अटल होगा वही भाग लेगा, ध्रुव। ठीक है, तो ये भाग लेता है राष्ट्रकूट शासक, और ये प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये तीनों के मध्य होता है, मैंने अभी अभी इस मैप से बताया हुआ है। और वैसे विस्तार से जानना चाहते हो तो आप गुर्जर प्रतिहार वाली प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, हंसवाहिनी क्लासेज हनुमानगढ़ वाले चैनल पर। ठीक है, तो ये लीजिए राष्ट्रकूट शासक प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, और वत्सराज व धर्मपाल को ये क्या कर देता है, हरा देता है। वत्सराज जो कि क्या है साथियों, हमने पढ़ा है, यानी कि ये वत्सराज हमारा गुर्जर प्रतिहार शासक है, और धर्मपाल भी है ना, धर्मपाल अपन चर्चा करते हैं, तो ये आपका धर्मपाल बंगाल का पाल वंश का शासक है। ठीक है, इसको हरा देता है ये, और हरा करके इनको गंगा व यमुना के प्रतीक का राज चिन्ह बनाता है खुद। ठीक है, बनाता है इनको हरा करके गंगा व यमुना के प्रतीक का राज चिन्ह, यानी गंगा और यमुना तक के भाग को इसने जीत लिया था दक्षिण से आकर के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम है ना कौन सा शासक है, यानी राष्ट्रकूट शासक है। ओके, दोनों को हरा दिया। गोविंद सेकंड की बात करेंगे हम लोग साथियों, 793 से 814 है ना, और भाई इसका कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं है वैसे कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखो तो रख लेना, भाई इसका एक स्तंभ है। वैसे ये 4 भाई थे, इनमें बड़ा भाई स्तंभ, पहले तो इसको कोई जागीर दी हुई थी, लेकिन इसने बाद में 12 शासकों को इकट्ठा करके विद्रोह किया, तो इस भाई स्तंभ को है ना गोविंद सेकंड ने हरा दिया। और नागभट्ट सेकंड, गौर करना नागभट्ट सेकंड हुआ धर्मपाल को भी ये क्या करता है, हराता है, त्रिपक्षीय संघर्ष जब दोबारा होता है तो नागभट्ट सेकंड वह धर्मपाल को ये क्या कर देता है, हरा देता है। ये वही नागभट्ट सेकंड है जो गंगा में क्या कर देता है, जल समाधि लेता है, 933 की जब आप चर्चा करते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 833 की, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर अपन वहां पर भी फैक्ट चर्चा करते हैं कब गंगा, जब अपन गुजर प्रत्यारों को पढ़ते हैं उस समय। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, नागभट्ट सेकंड है ये, और धर्मपाल को भी हराता है, पाल का अना पाल वंश का धर्मपाल बंगाल का, उसको भी हरा देता है। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेता है, तो ये गोविंद सेकंड भी थर्ड भी लेता है, और इधर हमने ध्रुव को भी बात कर ली। ठीक है, अब लीजिए अमोघ वर्ष फर्स्ट, देखिए ये अमोघ वर्ष क्या है, फर्स्ट है, 814 से 878
संरक्षण चाचा, इस अमोघ वर्ष का एक चाचा था, उसके संरक्षण में रहता था करक, ठीक है, इसका नाम था। और ये अमोघ वर्ष क्या है, वैसे इतना तगड़ा ताकतवर तो नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए ये जैन धर्म को अपनाया हुआ था आरंभ में, ठीक है, जैन धर्म। तो इसके गुरु कौन थे, आचार्य जीनसेन, गुरु आचार्य जीनसेन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था आदि पुराण। या हम दो पुराण लिखेंगे, एक तो आदि पुराण, एक शांति पुराण। पौन नामक विद्वान आएंगे, अभी चर्चा करेंगे आगे। तो देखिए आचार्य जीनसेन, और जीनसेन ने क्या लिखा, आदि पुराण लिखा। देखो जीन पुराना होता है पुराना, ठीक है, तो याद कर लेना आदि पुराण। ओके, स्वयं भी क्या था, एक विद्वान था, कवि राजमार्ग ग्रंथ लिखता है। अमोघ वर्ष क्या लिखता है, कवि राजमार्ग लिखता है, ठीक है, कवि राजमार्ग लिखता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और कन्नड़ भाषा में लिखता है। उसके बाद देखिए इसकी तुलना, इस अमोघ वर्ष की तुलना इतिहासकारों ने किससे की है। अगर बात करें कला व साहित्य में तो चंद्रगुप्त सेकंड के समान ही ये है, और अगर बात करें शांति प्रियता या उदारवादिता में तो ये साथियों अशोक, सम्राट अशोक के समान है। अगर दान की बात करें तो ये धदीचि जो ऋषि है, देवताओं को वृत्रासुर नामक राक्षस को मारने के लिए इंद्र को हड्डियां दे देते हैं अपनी, तो वो भी ध्यान रखना, तो ये इनके समान है, दान में धदीचि के समान, कला व साहित्य में चंद्रगुप्त सेकंड के समान, शांति प्रियता में अशोक के समान, ठीक। दरबारी इनके, इनके एक दरबारी भी और है जिनका नाम है महावीराचार्य। कौन है, महावीराचार्य, और महावीराचार्य जी ये ग्रंथ लिखते हैं जिनका नाम क्या है, गणित सार संग्रह। क्या नाम है, गणित सार संग्रह, ठीक है। और कहते हैं कि तुंगभद्रा में जल समाधि ये ले लेते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले शासक की ओर, इंद्र थर्ड, यानी इंद्र अपन किसकी बात करें, तृतीय की। इंद्र तृतीय 914 से लेकर 922 ईस्वी तक शासक बनता है। महीपाल प्रत्यार को हराता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। महीपाल प्रत्यार, जैसे ही महीपाल का नाम आया तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए, महीपाल प्रत्यार शासक, जिसके समय अरबी यात्री अलमसूदी आता था, वो उसी के समकालीन, तो यहाँ पर भी आता, देखिए महीपाल प्रत्यार को हराया, अरबी यात्री अलमसूदी भारत आया, किसके समय, इंद्र थर्ड के समय, तो उधर महीपाल के समय आता है, महीपाल को बौर कहता है, याद होगा। और इधर देखिए इंद्र थर्ड को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताता है, ये इंद्र थर्ड को भारत का सर्वश्रेष्ठ, इंद्र थर्ड यही है, इसके समय आता है, इसको सर्वश्रेष्ठ बताता है। सुलेमान की बात हम मीर भोज के समय करते हैं, अरबी यात्री सुलेमान की, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इंद्र सेकंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया किसने, यानी कि अरबी यात्री अलमसूदी ने, ठीक है। अलमसूदी भारतीय हवाओं को क्या कहता है, मानसून, ठीक है, और मानसून की को झिप्पा रचने की। तो ये देखिए कृष्ण, अब अपन बात करेंगे कृष्ण थर्ड की। वैसे एक कृष्ण सेकंड भी आता है जिसको वत्स राज क्या कर देता है, यानी जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत ही कौन करते हैं, गुजर प्रतिहार करते हैं और खत्म ही वही करते हैं, तो अंत में यानी कृष्ण सेकंड को है ना वत्स राज मिहिर बोझ क्या कर देता है, हरा देता है। तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है नहीं इस वजह से। तो कृष्ण सेकंड 939 से 967 ईस्वी। आप लोग सोच रहे होंगे कुछ कालक्रम बीच में भंग है, साथियों बहुत ज्यादा शासक होते हैं, तरह तरह के नाम होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर थर्ड शुरू कर रखा है, कहीं सेकंड पटाई नहीं, फर्स्ट नहीं पटा, बहुत ज्यादा भरा हुआ है, इन चीजों पे हमें बिल्कुल गौर नहीं करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से सिलेक्टिव टॉपिक आप तक पहुंच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इंद्र सेकंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक इसने घोषित किया था, कृष्ण सेकंड थर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग 939 से 967 ईस्वी। उपाधि अकाल वर्ष की, क्या कृष्ण थर्ड उपाधि क्या है, अकाल वर्ष की। और प्रांतक चोल को हराया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रांतक चोल, जैसे ही यहाँ पर नाम है चोल, ये नाम मैंने इसलिए लिखा है चोल वंश, तो इसने क्या किया, प्रांतक चोल, यानी यहाँ प्रांतक जो चोल था, यहाँ चोल वंश का राजा, उसको हरा दिया किसने, कृष्ण थर्ड ने। और है ना इस मतलब इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने रामेश्वर में है ना मंदिर और विजय स्तंभ का निर्माण करा, रामेश्वर में कई मंदिर बनवाए थे और साथ साथ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। दरबारी देखिए साथियों, दरबारी कौन है, पौन, पौन, ठीक है, पौन, और पौन क्या लिखता है, शांति पुराण लिखता है, और ये एक अंतिम शासक भी माना जाता है। ध्यान देना, प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट शासक का अंतिम अंतिम मतलब शासक कौन है, तो उत्तर आता है ये कृष्ण थर्ड, ठीक है। लेकिन कई जहां पर कृष्ण थर्ड ऑप्शन नहीं है तो अंतिम शासक ये भी मिलेगा कर्क सेकंड, ठीक है, दोनों का एक साथ कभी नहीं आएगा, तो ये कर्क सेकंड अंतिम शासक तो जरूर होते हैं लेकिन इतने कोई महत्वपूर्ण नहीं होते, इनकी तो पूरी तरह से इनका दमन कर दिया जाता है, हालांकि यही भी एक प्रकार से शासन तो इनका छिन जाता है। तो दोबारा देख लीजिए कृष्ण थर्ड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, अकाल वर्ष इसकी उपाधि है, प्रांतक को ये हरा देता है, हराने के बाद इन जीत के उपलक्ष्य में क्या करवाता है, यानी ये कुछ अगर अपन बात करें रामेश्वर में मंदिर व विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है,
दरबारी कौन है साथियों? पौन। पौन क्या लिखता है? शांति प्राण। देखिए अकाल में शांति होती है ना एक तरीके से, हर प्रकार से तो शांति अशांति होती है, लेकिन मान लेना शांति और पौन। और इधर हमने अभी अभी पढ़ा था आदि पुराण आचार्य जीन सेन जो कि क्या अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। अब करक सेकंड 972 से 973 लास्ट डेट आ गई है, तो अंतिम शासक ये थे, ये है अंतिम शासक वैसे चालुक्य राजा तैलप सेकंड, गौर करना भी चालुक्य शासक है, ठीक है, तैलप सेकंड। अब ये कौन से कल्याणी के चालुक्य हैं? तो तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में करक सेकंड को हरा करके कल्याणी के चालुक्य वंश की क्या कर देती है, क्या कर दी जाती है, नींव रख दी जाती है एक तरीके से, यानी राष्ट्रकूट वंश की यहाँ समाप्ति हो जाती है। और उसी जगह यानी यहीं पर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा यहाँ यहाँ हमने लिखा भी था, तो यहाँ पर एक नए राजवंश का उदय हो जाता है, उसका नाम होता है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो वहां पर स्थापना करता भी कौन है साथियों? मैंने यहाँ पर भी लिखा दिया कि चालुक्य राजा तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में करक सेकंड को हरा करके कल्याणी के चालुक्य वंश की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है, नींव रखी जाती है। तो ये था आपका छोटा सा इंपॉर्टेंट राजवंश। मैं एक बार पूरी की पूरी चीज पर हाईलाइट डालूंगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमें उनको भी पढ़ने। देखिए राष्ट्रकूट वंश हम पढ़ रहे हैं, मूल स्थान को छोड़ दो लातूर याद रह जाएगा सीधा ही, प्रारंभिक शासक ये प्रारंभ में चालुक्यों के समान थे, उसके बाद है ना आरंभिक शासक इंदर भूल जाओ, संस्थापक याद रखो दंतिदुर्ग, दंतिदुर्ग हिरण्यगर्भाध्यान यज्ञ करता है, कीर्तिवर्मन सेकंड को ये है ना हरा करके स्थापना कर देता है, ठीक है, काम खत्म हो गया, नागभट भूमिका होगी। कृष्ण फर्स्ट के बारे में क्या याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद ध्रुव में क्या याद रखोगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग, बस इतनी सी बात है, और वस्त्रा धनपाल को हराता ही है, गंगा यमुना प्रतीक का राज चिन्ह जारी करता, ठीक है। गोविंद सेकंड के बारे में क्या याद रखोगे कि इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि नागभट सेकंड और धर्मपाल को भी ये भी क्या करता है, हरा देता है, और त्रिकोणीय संघर्ष में भी भाग लेता है, त्रिकोणीय त्रिपक्षीय एक ही बात है। अमोघ वर्ष के बारे में आप लोगों को बताया, करक इसका क्या था, चाचा था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके गुरु का नाम क्या था, आचार्य जैनसेन, और ये जैन धर्म से संबंधित था ही, आदि पुराण इसके गुरु लिखते हैं और खुद भी विद्वान था, कवि राजमार्ग ग्रंथ लिखता है, कन्नड़ भाषा में याद रखना। और शांति प्रियता में अशोक के समान, दान में दधीचि के समान, कला शिल्प में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, वो हमने पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। और शांति प्रियता वाली बात होगी, दरबारी कौन है, महावीराचार्य, जो क्या लिखते हैं, जो लिखते हैं गणित सार संग्रह, ठीक है, काम कंप्लीट। और इंद्र थर्ड के बारे में साथियों याद करना, महिपाल प्रत्यार को यह हरा देता है, महिपाल जैसे ही आया तो अलमसूदी आया, अलमसूदी इधर भी आया उधर भी आया, ठीक है, तो इसके समय भारत आया, अभी आते अलमसूदी, और ये इंद्र सेकंड को, इंद्र थर्ड को सबसे शक्तिशाली शासक भारत का मानते हैं। कृष्ण सेकंड के बारे में क्या पढ़ना है, केवल ये याद रखना है कि इसने प्राण तक चोल को करवाया, हरा दिया, ठीक है, हरा करके रामेश्वर में मंदिर और बीज स्तंभ बना दिया। और दरबारी कौन है साथियों, पौन है, पौन जो कि शांति पुराण लिखता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये अंतिम शासक के लगभग किताबों में यही आता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पेपर में भी यही पूछा जाता है, इसका नाम ही नहीं आता, तो अगर आ जाए इसका करक सेकंड तो भी गौर कर लेना, ये अंतिम शासक है और चालुक्य राजा तैलप सेकंड ने हराया। तो ये था बिल्कुल आसान सा, नए राजवंश की इसी स्थान पर स्थापना हो जाती है कल्याणी के चालुक्य। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने और लिखे हैं, शायद आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। देखिए राष्ट्र शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तीसरी चौथी क्लास से, यानी मेरा मानना है सातवीं आठवीं से, ठीक है। तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पर लिखी है एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, मैंने आपको बताया कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, सब जानते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि कुल गुफा कितनी है, 34 है। यहाँ पर कितनी गुफाएं, 34, एलोरा व एलिफेंटा की जो गुफाएं कितनी है, 34 है महाराष्ट्र में। 1 से 12, 1 से लेकर के 12वीं तक गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें जो प्रसिद्ध है 10वीं गुफा है जो विश्वकर्मा की, ठीक है, बौद्ध धर्म वालों में, ओके। 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, और इनमें एक 15वीं गुफा प्रसिद्ध है, वहां पर भगवान के नरसिंह अवतार की मूर्ति है, ठीक है, तो ध्यान रखना भगवान की नरसिंह अवतार नीचे वाला गौर कर लेना, यानी 13 से 29। अब बचा 30 से लेकर 34 तक, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है साथियों, किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आप ले लीजिए कुछ और फैक्ट जो और इंपॉर्टेंट है, कि राष्ट्रकूट सेव प्लस वैष्णव जैन और बौद्ध धर्म, मतलब सभी धर्मों को मानने वाले थे राष्ट्र शासक, ध्यान रखना अलग अलग शासक अलग अलग धर्म से संबंधित, तो सभी एक तरीके से है ना, सेव वैष्णव जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है, सहिष्णु। और मुसलमान व्यापारियों को इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखना मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में व्यापार और प्लस धर्म प्रचार के लिए है ना, व्यापार
वह यानी धर्म प्रचार के लिए इन्होंने क्या देती थी साथियों, अनुमति देती थी। तो यह था आपका राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासकों को हमने पढ़ लिया, पूरा का पूरा राष्ट्रकूट वंश था। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार लिखोगे और एक बार रिवाइज करोगे तब तक ये मैटर कवर हो जाएगा और धीरे धीरे ये चीजें जुड़ रही है ना आपस में, जुड़ते जुड़ते इतना आसान हो जाएगा आप सोचोगे अरे वाह कितना सरल राजस्थानी इतिहास से भी सरल साथियों। तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास। अब ये क्लास में यही संपन्न करता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।